सो हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल गाइज, दिस इज बाइक का अनिकेत। और आज मैं जा रहा हूँ कर्नाला फोर्ट पनवेल एक राइड के लिए। एक छोटी सी राइड होगी कल। कर्नाला फोर्ट इज़ अराउंड 45-46 किलोमीटर्स फ्रॉम अनुशक्ति नगर, जहाँ पर मैं रहता हूँ। और ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड रूट नहीं है। अगर आप अनुशक्ति नगर या फिर चेंबूर के आसपास से हो तो आपको डायरेक्टली सायन पनवेल हाईवे पकड़ना होगा। सायन पनवेल हाईवे से आप डायरेक्टली जा सकते हो। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड रूट नहीं है। और सेकेंड थिंग, मेरा वापस जाने का पर्पस ये है कि मुझे फ़ोटोशूट के लिए जाना है। मेरे साथ मेरी सिस्टर है, तो वी आर गोइंग फॉर अ फ़ोटोशूट। और फ़ोटोशूट के साथ में मैं अपने चैनल के लिए इंट्रो भी शूट करूँगा वहाँ पर। तो लेट्स गो और देखते हैं कोई नज़ारा अच्छा मिलता है या नहीं। बट ऑब्वियस राइड पे जा रहे हैं तो नज़ारे तो मिलेंगी, उसे भी रिकॉर्ड करेंगे। और इस राइड को मैं ऐसे ही जाना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस छोटे से राइड को अपने लिए एक यादगार क्लिप बनाया जाए, जो अपने यूट्यूब चैनल में मैं डाल सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को भी पता चले कि अगर आप लोगों ने कभी प्लान किया कि कर्नाला फोर्ट आपको जाना है, तो आप लोगों को भी पता चले कि आप कैसे जा सकते हो वाया रोड। ट्रेन से तो क्या नॉर्मली सबको ही पता होता है, एम इंडिकेटर वगैरह देख के तो आप पता कर सकते हो ट्रेन से कैसा जाना है। लेकिन पनवेल जाने के बाद भी आपको वहाँ से टैक्सी या फिर बस जो भी करके जाना पड़ता है, वो उतना मुझे पता नहीं है। लेकिन बाय रोड मैं आपको बता सकता हूँ, बाय रोड डायरेक्टली पनवेल एक्सप्रेस हाईवे पकड़ के वहाँ से आप जा सकते हो। सायन पनवेल हाईवे पकड़ ले जाओ, सायन पनवेल हाईवे पे से आप डायरेक्टली जा सकते हो वहाँ पर। और फूड सेकेंड थिंग जो मैं आज कैरी कर रहा हूँ, मेरे पास तो बैग नहीं है, एक मेरी सिस्टर के पास एक बैग है, उसमें मेरा कैमरा है, कैमरा, सेल्फी स्टिक, चार्जर, वॉइस रिकॉर्डर और छोटी मोटी चीज़ें हैं जो फ़ोटोशूट में काम आएगी। तो बस यही है, पूरा जो साहित्य है मेरे पास वो इतना ही है। और बाकी नज़ारे तो आपको दिखते रहेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है पेट्रोल। अगर गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं होगा तो बट ऑफिस आप नहीं जा सकते, तो मुझे पहले पेट्रोल भराना होगा। पहले जाके पेट्रोल भराएंगे, फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। आगे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, इसे यहीं पर पॉज कर देता हूँ। नहीं तो देख लो यार, पेट्रोल भराने के टाइम पे भी देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है पेट्रोल कैसे भराते हैं तो देख लेना। किसी किसी के लिए सही होगा कि पेट्रोल पंप पे क्या होता है, देख ले। मुझे दिख रहा है, अगर पता नहीं आपको कैमरा में दिख सकता है या नहीं, कैमरा में आप देख सकते हो या नहीं, लेकिन मुझे वो क्लियर दिख रहा है। वहाँ पर वो जो पॉइंट दिख रहा है ब्लैक में, दूर
वही है कर्नाला फोर्ट, मुझे यहाँ से दिख गया आपको, अगर अभी मुझे पता नहीं आपको कैमरा में वो दिख रहा है या नहीं, लेकिन मुझे यहाँ से दिख गया। लेट्स गो। छोटी बनी हुई दिख रही है ना, वही है कर्नाला किला, आई मीन फोर्ट, वही है कर्नाला फोर्ट। When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too. To get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too. ओके सो गाइज, वी हैव रीच्ड हियर नाउ, लेकिन एक सबसे बड़ा पोपट हो चुका है यहाँ पर। बर्ड सेंचुरी जो है वो बंद हो चुकी है, वो सिर्फ ओपन रहती है 5 बजे तक। हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे 4:30, राइट, 4:30 को हम लोग यहाँ पर पहुंच गए थे। उन लोग ने बोला कि सिर्फ 20 मिनट है, 20 मिनट में आपको ऊपर जाके आना है रिटर्न, और ऊपर जाने के लिए 15 मिनट लगता है, एक्चुअली 15 मिनट लगता है ऊपर जाने के लिए। 15 मिनट्स में वापस जाके रिटर्न आना है पॉसिबल नहीं है, और सिर्फ 2 मोर देखने के लिए मिलेंगे उन लोग। उन लोग ने बोला 2 मोर, राइट, पिकॉक, हाँ, 2 पिकॉक देखने के लिए मिलेंगे। वो 2 पिकॉक के लिए उन लोग ने कहा कि 170 रुपीज आपको टिकट है, और 25 रुपीज आपके बाइक का पार्किंग, मतलब टोटल 195 रुपीज। 2 मोर, 2 पिकॉक देखने के लिए 175 रुपीज देना हम लोग को वर्थ नहीं लगा, इसलिए हम लोग ने बाहर ही रुक गए। और ज्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं। बारिश के टाइम पे अगर आप सोच रहे हो कि कर्नाला बर्ड सेंचुरी में आपको जाना है तो मत ही जाइएगा, और अगर आपको कर्नाला फोर्ट जाना है तो कर्नाला फोर्ट भी मत जाइए, क्योंकि बारिश के टाइम पे फोर्ट बंद रहता है। और बर्ड सेंचुरी में सिर्फ 2 पिकॉक देखने के लिए मिलेंगे आपको, वो 2 पिकॉक देखने के लिए आप इतना दूर आओ, कहीं से भी आओ, नज़दीक से भी आओ, लेकिन मतलब नहीं, आपको जाके भी मतलब नहीं है। और यहाँ का जो टाइमिंग है, यहाँ का जो डिटेल्स है, कर्नाला फोर्ट का डिटेल्स और कर्नाला बर्ड सेंचुरी का डिटेल्स, मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पर कहीं पर तो भी डाल दूंगा, आप देख लेना वहाँ पर से जो डिटेल्स है। जो नॉर्मल मिनिमम डिटेल्स है वो ये है कि कर्नाला बर्ड सेंचुरी सुबह 7 बजे ओपन होती है, और शाम को टिल 5 PM, राइट, टिल 5 PM ये ओपन रहता है। हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे अराउंड 4:30 तक, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे,
4:40 पहुंचने के बाद उन लोग ने बोला कि सिर्फ 20 मिनट है बचे, आपको जाने के लिए 15 मिनट लगेगा, तो 15 मिनट जाने के लिए ऊपर जाके हम लोग देखेंगे क्या उत्ते में उधर से हक्का लेंगे। उन लोग ने ये भी कहा कि अगर उधर से हक्का ला तो भी तुमको नीचे आना पड़ेगा, तो मतलब नहीं है जाके उन लोग हक्का ही देने वाले। तो उससे अच्छा हम लोग ने सोचा कि बैक ऑफ कर लेते, इधर से निकल जाते रिटर्न। आई होप यू एंजॉयड द व्यू ड्यूरिंग द राइड, वाइल्ड राइड जो मैंने व्यू रिकॉर्ड किया आप मुझे, आई होप कि आपको वो अच्छा लगा हो। और देख लीजिए आगे भी अगर मैं राइड पे रिटर्न जाऊंगा, अगर मुझे व्यू देखने के लिए मिला तो कैप्चर करूंगा, और कुछ अगर होगा तो मैं कैप्चर करूंगा और डालते रहूंगा। टिल देन डू सब्सक्राइब, लाइक आवर वीडियो एंड कमेंट्स बिलो। बाय। फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू यू शुड गो फेदर्स एंड सी दिस।